ध्यान से और प्रेम से सुने। आज यहाँ इस प्रोग्राम का चौथा दिन है। आप हर वर्ष बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं इस उत्सव में, धर्म रूपी यज्ञ में, तो अब की बार भी आशा है कि आप उसी तरह योगदान देंगे, बल्कि बढ़ चढ़ कर देंगे, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो लगभग कृषि पर ही निर्भर है और भगवान ने किसान में वो सामर्थ्यता वो श्रद्धा दी है कि और किसी में वो श्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश जो है ये किसान पर ही आधारित है। दिन रात जो मेहनत करता है तो दूसरे की भी सहायता करने की इच्छा रखता है, तो भगवान ने किसान में सामर्थ्यता दी है, श्रद्धा और भाव दिए है, और गौ माता के प्रति भी बड़ी श्रद्धा है आप लोगों की। आज आपके सामने वही स्याही लकड़हारे का दूसरा भाग सुना जाएगा, श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलिए। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो, अरे एक आदि वेता गैल बोल ले। अजी कोशिश तो बहुत करूं बोले जी है? कोशिश तो बहुत करूं वो लड़की के। अच्छा अगर तय कर का चाला कोशिश तो है। हाँ जी हाँ बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो जय हो। कितनी बढ़िया कोशिश करी तने है वो माड़ा सर आया हूँ। वाह भाई वाह, बड़ा समझदार हो लिया। इनके कति गैल बोले। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। बोलो श्रद्धा करके दादा लक्ष्मी चंद की। वो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, ओ बीच में शेर जी लो बिलाल। हाँ जी जी राम 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 लाला जी कर दे हिसाब लाला जी का। आगे हिसाब कराने के लिए आपने कहा था कि कल आ जाना। हाँ ठीक है कहा था जी, कर लो हिसाब। कर तो हिसाब कीजिए। बताओ बताओ कितने दिन हो गए लकड़ी लाते? कौन बताओगा? तू बताओगा क्या हम बताओगे? हाँ तो 6 साल हो गए मुझे तो। 6 साल? झूठ बोल क्या? बिल्कुल नहीं, 3 महीने ऊपर जा रहे हैं 6 साल से। आ जाने ईमानदारी पे और बाढ़िया करते हैं ईमानदारी पे आ रहे हैं। तो आजकल क्या भाव है? आजकल कति मंदा खारी से है? कति मंदा खारी से। मंदा खारी? हाँ, कोई दो अन्य मन में भी नहीं पूछता। नहीं नहीं, कल आपने अपनी दुकान का एक अपने हाथ से लिखा हुआ पर्चा में दिया था 16 रुपए मन का। पर्चा? हाँ। ले देखियो पर्चा तेरे हाथ का, त्रिपुआ के हाथ का। ओहो, इस पर्चे की भी बाण खसम हुई भाई, 16 ला लो भाई। हाँ तो कितनी लकड़ी रोजाना की? कितनी लाया करता? डायमंड लाया करता मैं। झूठ बोल क्या? तो? 20 धड़ी लाया करता। वो एक का बात है। अच्छा तो ला लो का हिसाब लगाओ जोड़ो। 40 रुपए रोज की होगी लगा 6 साल का हिसाब। 40 रुपए रोज की होगी हिसाब तो जोड़ लेते बोलने। हाँ जोड़े कोई। 3 ढाऊ के ढाऊ 3 लगा दिए ऊपर, नीचे रह गया 1, 3 लगा दिए फिर नीचे, फिर ऊपर रह गया 1, वे तड़े 2 के 2 वे ही 3 के 3 हक नहीं बिल्कुल पक्का। 86,400 रुपए हो गए भाई। ये बात 86,400 रुपए हो गए। दे दो दे दो। सेठाई नहीं, ऐसे तो सेठ जी मर जाएंगे। इस रकम के 2 हिस्से कर लो। हाँ देख छोरी बात ठीक है, 1 ये रख लेंगे 1 हम रख लेंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बहुत। लाओ तो। हाँ तो सेठ जी 86,400 रुपए बने ना? हाँ 400 रुपए बने जी। हाँ 86,400 रुपए। हाँ 86 लाओ जल्दी, ऐसे तो मर जाएंगे सेठाई। कैसे जी हो गए? हाँ सेठ जी 2 हिस्से करो इसके, 1 तुम रख लेना 1 हम। छोरी ठीक बात, क्योंकि इन्होंने हमारे पैसे की बहुत सेफ्टी रखी, मर जाएंगे ये ऐसे। हाँ मर जाएंगे, हिफाजत रखी है। जी हाँ हिफाजत। तो खाना दिया था। हाँ तो हिसाब करा लिया, 86,400 रुपए रकम के बने। तो राजा की लड़की ने बहुत ही अच्छा सोच समझ कर न्याय कर दिया, उस रकम के 2 हिस्से किए, 1 हिस्सा सेठ को दे दिया,
और उतना ही हिस्सा अपने साथ ले लिया। 43,200 रुपए। अब वो रकम लेकर वहां से चल पड़े। शहर के बाहर जब पहुंचे तो लकड़ारा कहने लगा, हाँ राजकुमारी जी महाराज, भाई मैं अब समझा हूँ क्या तेरा भाग्य तो बहुत तेज है। वो कैसे महाराज? कि तेरे आने से मेरा जीवन बदल गया। अच्छा, मेरी 6 साल की मेहनत का फल मुझे जी, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए महाराज? ये तो आपकी किस्मत में था इसलिए आपको मिल गया। लेकिन मेरी इस किस्मत को तूने जगाया है आकर, ये तो सोई हुई थी। जी मेरी बात सुनिए से राजकुमारी। का धर्म का छोटा नारे
सुनी मेरी बात? हाँ मैंने सुनी आपकी बात। आखिरी बात में क्या कहा? मान सिंह सतगुरु ने बता दिया मैंने जो कुछ खो रखा था जी। मेरे बालक पण में दया ली, मैंने सब दुख रो रखा था जी। वो नू बोले की धीरे भरमता जो जंग झो रखा था जी। कहे लक्ष्मी चंद अगत की खातिर भाई जो कुछ वो रखा था जी। यो खेत बता दिया काटन खातर दे दी ज्ञान धराती, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं हिम्मत। ठीक कह रहे हो महाराज। तो भाई आज हमारे पास में रुपया पैसा भी है जी। हाँ, हाँ, हाँ। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुन मेरी बात। सुनाइए। कैसे? तू है शक्ति।
सुना मैंने। कहे लक्ष्मी चंद करे ना दगाबाजी जी, इब तेरी राजी के महाराजी जी, और साजी तेरी बात में होगी रे गोरी, तू मेरी इज्जत ने शिखर चढ़ाया करिए। बेफिक्र रहो महाराज, इज्जत का सितारा चमका दूंगी। अरे वाह, तो मैंने अपने विचार तो बता दिए जी, अब तू बता के क्या करना चाहिए। महाराज मेरे विचार सुनना चाहते हो? हाँ हाँ। तो जिस इंसान को भगवान धन दे दे, हाँ, उसे दान पुण्य शुभ कर्म करना चाहिए महाराज। दान पुण्य शुभ कर्म? जी हाँ। ये कैसे होते हैं भाई? हमारे हिंदू धर्म में गंगा मैया का तब से पवित्र है। गंगा मैया का धाम, क्या किया जाता है वहाँ? उसमें स्नान किया जाता है महाराज। गंगा में? जी हाँ। और गंगा में स्नान करने से क्या होता है? स्नान तो मैं यहाँ तालाब में भी करता हूँ। उसमें स्नान करने से इस मनुष्य शरीर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। गंगा में स्नान करने से? जी हाँ, ऐसा हो जाता है जैसा अभी जन्म हुआ हो, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ। परंतु ये गंगा कौन है जी, कहाँ से आई है जी, कौन लेकर आया है जी, और कैसे इसमें स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, क्या ये भी जानती है? जानती हूँ महाराज। तो फिर मुझे भी समझा दे। तो सुनिए महाराज, सुनाइए। जो होते भगवान
जा, इससे मरे काकू ने हो गाने से। चलो गंगा जी और दर्शन हो जा मेरे साजनी सी बहाने से। हो तेरे दुख हो तेरे धने हो जोड़ जोड़ के जाते चले जमाने से। लक्ष्मी चल सबे पाप नष्ट हो श्री गंगा जी में बात कही है। खोल कर फिर समझा दे। ब्रह्मज्योत भगवान स्वरूप से निकली गंगे माई थी, इस मृत लोक में इंसानों की गति करण को आई थी। हाँ, पहली बात। एक दिन गंगे बोली हर से अपने मन में घबरा के, मृत लोक में पापी बंदे दोष चढ़ावे मुझ में आके। फिर भगवान बोले गंगा जी से, तुम उनके दुख में तो जाके तेरा भी दोष उतारेंगे सब ऋषि महात्मा नहा नहा के। जैसे भागीरथ की करनी से सब कुटुंब ने मुक्ति पाई थी, मृत लोक में इंसानों की गति करण को आई थी। तो गंगे मैया को भागीरथ जी स्मृत लोक में लेकर आए। जी हाँ, क्योंकि उनके पूर्वजों को सगर के साथ 60,000 पुत्रों को जी कपिल मुनि ने अपने तेज की अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। जी हाँ, तो नारद ऋषि ने कहा कि अगर इस मृत लोक में गंगा आती है जी और इनकी भस्मी उस गंगा के जल में प्रवाहित की जाए तो इनको मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ। तो भागीरथ जी ने घोर तप किया, भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान ने गंगे मैया से मृत लोक में आने की आज्ञा दी। जी। तो गंगे माता भगवान के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगी, नहीं प्रभु, मृत लोक में तो पापी निशान रहते हैं। जी। वो मुझ में स्नान करेंगे और सारे पाप मुझ में उतार जाएंगे। जी। तो भगवान ने कहा कि गंगा, केवल पापी ही नहीं रहते। जी। मृत लोक में तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा दानी सज्जन भी रहते हैं। जी हाँ। जो कई कई हजार वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। जी। ऐसे भी दानी रहते हैं जी के जिन्होंने धर्म के कारण अपना सब कुछ दान कर दिया। जी महाराज। वो भी तो तुझ में स्नान करेंगे। जी। उन महात्माओं के स्नान करने से तेरे सब दोष दूर होकर तू और पवित्र हो जाएगी। जी हाँ। तो तब गंगे मैया इस मृत लोक में आई। जी। और भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार किया। जी। दूसरी बात, चाहे मेरी सास भस्म हुई जड़ के बाप या कौन सी धरनी है। हाँ। चलो गंगा जी फूल उठावे हृदय ही सुमरनी है और बिना दान नहीं पार होण के रास्ते में बेतरनी है। देखियो ध्यान से सुनते रहियो, दान का बार बार जिक्र किया है दादा ने। दान का बड़ा महत्व होता है मनुष्य के जीवन में। क्या कहा, बिना दान नहीं पार होके रास्ते में बेतरनी है। गंगे माता इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। मेरी सास तीरथ के तुल जिससे तेरी मूर्त जाई थी, मृत लोक में इंसानों की गति करण को आई थी। ठीक कहा राजकुमारी। लिखा है पुराणों में कि यमपुरी के मार्ग में एक बेतरणी नाम की नदी बताई गई है। जी। जिसका बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। हाँ। हजारों प्रकार के जीव जंतु उस नदी में रहते हैं। अच्छा। जब यम के दूत जीव आत्मा को लेकर पहुंचते हैं उस नदी के किनारे। जी। तो उस आत्मा से पूछा जाता है, बताओ अपने जीवन में दान किया या नहीं किया। जो दानी होते हैं उनको वो यम के दूत उस नाव में बैठा कर नदी पार कराते हैं, और जो जीवन में दान नहीं करते ऐसे पापियों को वो नदी खुद तैर कर पार करनी होती है। अच्छा। जो जीव उसमें रहते हैं उस आत्मा को नोचते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तब पछतावा होता है अपने किए हुए कर्म। जी।
तो दान का बड़ा महत्व तो बताया है जीवन में, दान करना चाहिए। रुपया पैसा भगवान ने किस काम के लिए बनाया है? पैसा ढिल्ला खर्च करने मैल हाथ का सख्त पिया। अच्छा, नेम धर्म पुनदान की खतर हाथ ना चाहिए सख्त पिया। और? दया से धर्म, धर्म से राजा। हाँ। राज से नीति तख्त पिया। चलो गंगा जी दर्शन हो जा, निकला जाता वक्त पिया। क्यों बोला? और इस ओडे ते दर्शन हो जा। हाँ। कदी गंगा जी बिना नहाई थी, मृत लोक में इंसानों की गति करण को आई थी। अरे पगली जी, जब गंगा में स्नान करने के पुण्य को तू जानती है। जी महाराज। फिर भी आज तक गंगा स्नान क्यों नहीं किया तूने? महाराज मेरी मजबूरी थी। क्या? क्योंकि मुझे छोटी सी को छोड़कर मेरी माँ स्वर्गवास कर गई थी, मर गई थी। जी हाँ, पर माँ के बिना कौन ले जाता? अच्छा, इब मेरे खूब गोते लगवाई है। इब तेरे खूब गोते लगवाएंगे, खूब नहीं है छक्के। तू भी मार लिए, हम तो गेला चाल लेंगे गोते। मारा क्या जिक्र से? गुरु गोविंद सिंह के सब दुख मिट जाए ईश्वर का गुणगाने से। चलो गगन जी दर्शन हो जा मेरे साजन इसी बहाने से। वो तेरे धन जोड़ जोड़ के जाते चले जमाने से। कह लक्ष्मी चंद सब पाप नष्टो श्री गंगा जी मनाने से। ऋषि महात्मा कहते आए सदा दुख की धर्म दवाई थी, मृत्यु लोक में इंसानों की गति करण को आई थी। सुना महाराज? मैंने सुन लिया, बहुत अच्छी बात कही है जी। तो अब देर मत कर फिर। हाँ। ऐसी बात है तो चल गंगा स्नान के लिए चलते हैं, और जल्दी चल। अभी अभी तो ठीक है महाराज, चूरमा कर लूं। चूरमा फिर तो हम भी चाल पड़ेंगे। देखिए चूरमे था इधर कितना उकार हमारे आई से, और बोल याद नहीं इसके। मैं चूरमे के सही तो सभी उकारा मारे। चूरमा खवा दो, चूरमा खवा दो। चूरमा खाने का मुंह है तेरा। और हलवा खवा दो। ना हलवा तो नहीं, पर चूरमा तो खा लेंगे। बोल कोई और बता दो कान में। ना वो मेरा हलवा तो खा ले। ना ना हलवा नहीं खाने में, चूरमा थारी मर्जी दे दियो, नहीं टाल करियो गैला जरूर चाल। हमने दिया करते बैठ अपना रे। अच्छा, अरे मारी गैला चालिए। ना गैला चाले, थारा पीछे पीछे हो लूंगा मैं तो भाई। हम समार देंगे भैया, देख ली समार दे। तो चल राजकुमारी। ठीक है महाराज, चलिए। अच्छे कर्म करने से मिलती है। अच्छा, और क्या? कैसे भला? मुश्किल मिलेगी रखे
कर रहा मेरे आदमी अरे हमने नौकरी दी तू गेल लाई अरे हम तो चल लेंगे तो पीछा पीछा आ रहे थारे तुमने बेरा ही नहीं पीछा हुआ है तू क्या कर रहा है के हो यार गठरी ले रहा मेरे यार हां तो फिर क्या बुराई है इसमें ना भाई तू तो गठरी ले रहा हां अरे या पाछे पाछे उछलती चल ले के मतलब है इस बात का मेरे यार और तो तेरा तो भाई इस बात का दुख हो यार भाई घना कर दुया मारा तो दे राजकुमारी खाली हाथ चले हुए है हां अरे हां रत्न के कहूं कहले बाजू तो न कहना बहुत पुराने ख्यालात का आदमी मैं क्यों कर भाई तू कड़े था बच्चा रह गया इसे जमाने में रह भाई हम तो पुराने ख्यालात की हैं देख कई साल पहले जाना चाहिए था यार तने चले जाके चले जाके भगवान बुलाओगा तो जी बुलाऊंगा अरे ओ भले आदमी हां भाई तेरा दुख होया हां भाई एक बात बता हां तू तो दादार के जमाने की बात कर रहा है यार क्यों करे जब दादार हां दादी ने लेन जाते ना ससुराल में अच्छा तो दो चार दिन तो रुकते वहां हां अच्छी जी बुरा खाते बढ़िया खुशामंद होती थकान तारते अपनी हाँ और जब चलने का समय आता हाँ तो दादी की सखी सहेली समान की गठड़ी बांध के हाँ और गांव तक किला दो किला दूर तक छोड़न जाती ठीक और फिर वह समान की गठड़ी दादी के सर पे धरी जाती भाई हाँ और दादा बेरी पांच किला के चले जाता पीछा फिर कभी नहीं लखाओ था पीछा फिर कर लखाओ था गठड़ी लुवानी पड़े गठड़ी लेवानी पड़े हाँ तो तेरा दुख होया भाई हाँ भाई दुख होया अरे हाँ अरे 500 कोस चल के आदमी थक जाता होगा ना थक जा भाई और देखिए रे हाँ थके और आदमी ने हाँ और न्यू सेवा करके फिर चालन जोगा बना दे हाँ तो इसे मानस का बोझ लेवान में के बुराई लगी रे तने भाई कोई बुराई नहीं हाँ। मारी और तो दूसरे कंधे पे इसने भी धर ले भाई तो देख रे रे हमला कोई वो नहीं बड़े बड़े दुखी सितन पे ये दुनिया वाले नहीं देने देंगे मुझे ही दे दो बस तू ले ले इसे नहीं बड़े बड़े दुखी सितन पे पहुंच गए गंगा तीर के रे ऊंट की लहर टीक रही सा
यही गंगे माता है। तो मंजिल पर आप पहुंचे और क्या, थके हुए हैं जी, पहले बैठकर विश्राम करेंगे। ठीक है महाराज। तो बहुत दूर से पैदल चलकर गए थे, थक चुके थे, आओ जाओ प्रधान जी। तो विश्राम करने लगे, प्रधान जी आ जाते हैं। प्रधान जी ओंकार पन्ने दोषो पहते स्वे भावे पृच्छामि त्वां धर्म समूढ चेता पिछरे ये शान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिशस्ते अहम साधिमान त्वां प्रपन्नम। मान और सम्मान के योग्य गौशाला प्रांगण में पहुंचे हुए सभी गौ भक्तों का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है और मेरी तरफ से सभी को प्रणाम। गौशाला प्रावर की कमेटी की तरफ से मैं आप सभी का जो गौशाला प्रांगण में आए हैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो अपने निजी कामों को नज़रअंदाज करके गौशाला में गौ माताओं की सेवा के लिए पधारे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता जय, सभी की जय रखे। आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई ये गौशाला के नियोद हैं। आगे हमारे बाद में इन्होंने संभालना है गौशाला को, संस्था को इन्होंने देखना है। राहुल कौशिक सपुत्र भाई हरिओम जी जो अपनी गौशाला कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं, सह सचिव हैं, इनकी तरफ से 221,000 रुपये गौ माताओं की सेवा में, 221,000 रुपये गौओं के लिए, 1,100 रुपये पार्टी के लिए, 1,100 रुपये पाठशाला के लिए। ये 1,100 के रेट बना 2,00,000 हो चाहे 5,00,000 हो, कुछ मारा बदा बा भी दिया करो। ये मेरी सबू में रहा हूँ, 1,00,000 पे 1,100 होनी चाहिए, 5,00,000 पे 5,100। बोल देंगे जब बाद में।